वेलकम बैक स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ओनेस्टी. ओनेस्टी मीन्स ईमानदारी. क्यूटी चिरपी सेज ओनेस्टी इज. ईमानदारी क्या है? ईमानदारी है नॉट टेलिंग अ लाई, झूठ नहीं बोलना. ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलना. बीइंग सिंसियर, ईमानदार रहना. Not stealing, चोरी नहीं करना. Not cheating, छल नहीं करना. Not hurting anybody, और न ही किसी को दुख देना. ये सब क्या है? ईमानदारी है. The opposite of honest is dishonest. Honest का opposite क्या है? Dishonest. Dishonest means बेईमानी. If you steal somebody else thing, you are dishonest. अगर आप किसी की कोई भी चीज़ चुराते हो तो आप बेईमान हो, डिसऑनेस्ट हो. इफ़ यू टेल लाइज यू आर डिसऑनेस्ट. अगर आप झूठ बोलते हो तो आप डिसऑनेस्ट हो. इफ़ यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ यू आर ऑनेस्ट. अगर आप हमेशा सत्य बोलते हो तो आप ऑनेस्ट हो. लेट अस लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ ए स्टोरी. चलो सीखते हैं इसे एक स्टोरी की हेल्प से. यू चूज. परी एंड चिंटू लिव विद देयर पेरेंट्स इन अ स्मॉल हाउस इन गोवा. परी और चिंटू अपने माता पिता के साथ गोवा में एक छोटे घर में रहते थे. दे लव ईच अदर वेरी मच. वे सभी से प्यार करते थे. ईच संडे, प्रत्येक संडे, परी एंड चिंटू गो टू सिटी चर्च. परी और चिंटू शहर के चर्च में जाते थे. एंड लर्न अबाउट द सेवियर एंड हिज टीचिंग्स. और वे वहाँ ईसा मसीह के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में सीखते थे. द चोपड़ा फैमिली जस्ट मूव्ड इनटू अ बिग हाउस क्लोज टू परी एंड चिंटूज हाउस. चोपड़ा फैमिली चिंटू और परी के घर के पास के एक बड़े घर में रहने आए. परी एंड चिंटू लाइक टू प्ले विद द चोपड़ाज चिल्ड्रन. परी और चिंटू चोपड़ा के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते थे. The Chopra's children have toys that are bigger and more expensive. Chopra के बच्चों के पास बहुत सारे बड़े और expensive, बहुत महंगे खिलौने थे. Their toys seems to be more exciting and full of fun. उनके खिलौने बहुत मज़ेदार और बहुत ही exciting दिखते थे. वन डे, एक दिन, परी एंड चिंटू वर अलोन इन द चोपड़ाज प्ले रूम. एक दिन परी और चिंटू चोपड़ा के प्ले रूम में अकेले थे. चिंटू पुट अ टॉय रेसिंग कार इन टू हिज पॉकेट एज ही लाइक टू प्ले विद इट. चिंटू ने एक खिलौना रेसिंग कार ली और उसे अपनी जेब में रख ली. He liked to play with it. जिसके साथ वह खेलना पसंद करता था. Don't say anything. तुम किसी से कुछ मत बोलना. He told परी. उसने परी से कहा. They have so many toys. उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं. That they will never know if I take just once. उन्हें यह कभी नहीं पता चलेगा कि मैंने उसमें से एक ले लिया है. चिंटू वन ऑफ द कमांडमेंट्स इज. चिंटू एक नियम है, एक आज्ञा है कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे. डोंट यू रिमेंबर व्हाट द सिस्टर मैरी सेड इन द सिटी चर्च. तुम ये मत भूलो कि सिटी चर्च में सिस्टर मैरी ने क्या कहा था. Asked परी. परी ने कहा. She said, उसने कहा,
When we keep the commandments, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, we show heavenly father, तो हम स्वर्गीय पिता को ईश्वर को हम ये दिखाते हैं that we love him, कि हम उनसे प्यार करते हैं and are willing to obey him, और हम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं. चिंटू kept playing, चिंटू खेल रहा था. He pretended that he did not hear his sister, और वह यह दिखा रहा था, यह ढोंग कर रहा था कि उसने उसकी बहन की बात नहीं सुनी. You choose, तुम चुनो. परी told him, परी ने उससे कहा. After a few minutes, कुछ मिनट के बाद, चिंटू took the car out of his pocket. चिंटू ने अपनी जेब से कार बाहर निकाली and put it with the other toys, और उन्हें अन्य खिलौनों के साथ रख दिया. He smiled at Pari, और परी के सामने वह स्माइल करने लगा. Before they went to bed that night, उस रात सोने जाने से पहले, परी heard चिंटू praying, परी ने सुना कि चिंटू प्रे कर रहा है. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, he said, उसने कहा, I am thankful to have the commandments, मैं आभारी हूँ उन आज्ञाओं का, to help me choose between right and wrong, जिन्होंने मुझे सही और गलत के बीच चुनने में मदद की है. तो हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, being honest, कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही कभी चोरी करनी चाहिए.